राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं मीनू और मीनू का व्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। तो कैसे हैं फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूं। तो स्टार्टिंग करने जा रही हूं मैं आज के व्लॉग की सुबह से। तो सुबह के बजे हैं अभी 11:30, तो मतलब आधा घंटा अभी काफी है दोपहर का आफ्टरनून होने में। तो उससे पहले मैंने चलो कर देते अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे नहा के, जस्ट अभी फ्री हुई थी अपने घर के कामों से और नहा ली हूँ, नहा के आ गई हूँ मैं अपने रूम में। तो चलिए लगा लेते हैं थोड़ा सा लाली लिपस्टिक अपने फेस पे और उसके बाद में करेंगे फिर अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग। आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो में एंजॉय होने वाला है। काफी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ, स्टार्ट करने वाली हूँ। बहुत ही कुछ न्यू देखने को मिलेगा साल का। तो मंथ चल रहा है फरवरी, तो काफी सारी तैयारियां भी करनी होती हैं होली के फेस्टिवल से स्टार्ट पहले के। तो वही मैं आज कुछ इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं ना फेस पैक लगा लेती हूँ अपनी क्रीम वगैरह, तो अपनी क्रीम और उसके बाद मैं लिपस्टिक, दो ही चीज रहती है मेरी। मुझे कोई शौक नहीं है ज्यादा मेकअप शेकअप करने का, और आप लोगों ने ना देखा भी होगा, तो किसी भी वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा होगा मुझे मेकअप करते हुए। मुझे शौक भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता ज्यादा मेकअप शेकअप करने की। वही हमारी नेचुरल फेयर लवली क्रीम और नेचुरल ही लिपस्टिक जो ग्रीन कलर की आती है ना, ये केवल मैं यही लगाती हूँ। तो लो जी, हो गया हमारा मेकअप। बताओ कितना टाइम लगा, इतनी जल्दी कोई मेकअप कर सकता है अपना? नहीं कर सकता ना, लेकिन मैं कर सकती हूँ बहुत ही जल्दी से। वीडियो आप लोग फुल वॉच करना स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में बहुत कुछ देखने को मिलेगा भाई। तो देखो नहा के मैं होगी रेडी और मेकअप शेकअप भी एकदम कर लिया, और मैंने बना लिया है जूड़ा पिंक कलर की टी शर्ट, माय फेवरेट, और साथ में पहना है पिंक कलर का लोअर, वो भी मेरा फेवरेट है, पिंक और व्हाइट, पिंक और व्हाइट। तो चलिए चलते हैं हम लोग बाहर। तो फ्रेंड्स, मैंने ना कपड़े ना गला के रख दिए हैं क्योंकि ऊपर आलू बॉईल हो रहे हैं। तो आज बनेंगे हमारे यहाँ पर पापड़, तो उसके लिए देखो मैंने चकरा ले लिया है, पॉलिथीन ले ली है, और तो इसको लेके जा रही हूँ मैं ऊपर। तो मम्मी ने ना ऊपर जाके भरता वगैरह बना दिया है, आलू बॉईल कर दिए थे, तो सारी चीज़ें ऊपर तैयारी हो चुकी है, कपड़े धोंगी आने के बाद। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ ऊपर, और ये मैंने ना पॉलीथीन यहाँ पे बिछा दिया है, इधर की साइड में गाजर पड़ी हुई है तो वो सूख जाएंगी, और मम्मी आलू का भरता बना रही है, तो फटाफट से चलो मैं भी करा देती हूँ काम। तो बनाएंगे फिर पापड़ और आप लोग देखिए किस तरीके से बनते हैं पापड़। तो मम्मी गिलास से फोड़ रही हैं आलू उधर की साइड में, इधर सूख रहे हैं हमारे भगवान जी के कपड़े, धूप हो रही है काफ़ी तेज। कपड़ा ला दे बेटा, मैं साफ कर दूँ उसको। नहीं कपड़ा ला दे, पिन साफ कर दी थोड़ी सी। तो ये गंदी हो रही थी ना ऊपर से धूल मिट्टी, तो इसलिए मैंने साफ कर दिया, वरना पापड़ जो है इसमें किरकिरा जाएंगे, और किरकिरा पड़ना किरकिरा के बाद में पापड़ हो जाएंगे फिर एकदम बेकार, जो कि खाने में बिल्कुल बच्चे नहीं लगेंगे। तो इसलिए चलो मैंने इसे कर दिया साफ, अब उसमें मसाला मिलवा देती हूँ और इस पर लगा दूंगी ऑयल एक बार, जिससे कि ना पापड़ बहुत जल्दी से छूट जाएंगे। जोड़े जाएंगे नहीं कतई कहां तक नहीं है हैं नहीं उड़ जाएगी, ये काट के लाई ना का पापड़ हम खाई ले जा, ये तो साइड से निकल जाएगी, हारो निकल जाएगी। दिव्यांश हां
हाँ जी, काठ की अलमारी पे साइड में कैंची। कौन सी साइड में? पलंग को तुझे ना पता? चले कुमाऊं अलमारी तो फ्रेंड्स, मैंने इस पे तेल लगा दिया है। तो पिंडी पे तेल इसलिए लगाया जाता है जिससे कि पापड़ जो है वो पलटने में आसानी हो जाए, टूटे नहीं और टूटे नहीं, क्योंकि अगर पापड़ चिपक जाते हैं ना तो फिर वो टूट जाते हैं और वो खाने में भी ना भूनने में भी नहीं आ पाते, वो बेकार हो जाते हैं। तो चलो लेके आ रही हूँ, मम्मी बना रही हूँ, उधर भरता बन गया तो बनाना स्टार्ट करते हैं। खा के तो चेक कर लो, नमक लो। नमक हमें चलो उल्लंघ करी जब तो बनी है, जैसे बनावे तो फिर आऊंगी मैं चाचा, यहां इधर दबा के आऊंगी ना। देखो दो कर ले, धार के नीचे दबा दे। तो वो तो नेक जगह में ही तो बनेंगे। लाओ मेरे दादे बस। आधे से ज़्यादा ना पापड़ देखो हमने बना दिए और थोड़े से बचे हैं, मम्मी बस उसको भी बना रही है। तो मैं ना इसको ऐसे करके दबा के और इसके नीचे आधा ऐसे बन जाता है और इसके बाद में फिर मैं हाथ से बढ़ा देती हूँ ऐसे करके और हमारा पापड़ बनके हो जाता है तैयार। ये
तो फ्रेंड्स मैं आ गई नीचे, पापड़ ऊपर सारे के सारे जो जितने भी पापड़ बनाने थे वो बना दिए हैं, बाकी का फिर बनाएंगे अगले संडे को। धूप हो रही बहुत ज़्यादा तेज, लाल लाल हो गए एकदम। तो मैं आ गई नीचे ना सारा काम करके, मम्मी पापा ऊपर क्योंकि उनको रखाना भी है अभी, और नीचे मेरे कपड़े भी तो पड़े थे ना, बस मैं भिगो के रख गई थी उनको। तो फटाफट से मैं कपड़े धो लेती हूँ और उसके बाद मैं खाऊंगी खाना जब जाके मेरा पूरा काम जो है वो होगा ख़त्म। निकल के काम करते करते कपड़े सूख रहे हैं, जब तक मैं खा लेती हूँ खाना। तो काफी जल्दी की सब्जी बनाई है और रोटियां हैं, तो फटाफट से मैं अपना खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े सुखाने जाऊंगी। जब तक एक ड्राई भी हो जाएंगे वो, और मुझे लग रही थी भूख, तो पहले खाऊंगी खाना, क्योंकि ना अभी देखो 2:15 बज रहे हैं, कहाँ मैं अपना खाना 11 बजे से पहले पहले तो मैं अपना खाना खा ही लेती हूँ। तो आज देख ही सकते कितना टाइम हो गया, तो खा लीजिए आप लोग भी, खा लिया खाना। जा रही हूँ कपड़े सुखा दूंगी ऊपर, क्योंकि 2-3 घंटे सूख तो अभी जाएंगे, ड्रेस वगैरह भी है तो वो कल चाहिए भी, फिर स्कूल जाना है इसलिए। काम ही करना बस, हाँ तो काम कर लिया, उसे मना किया था ना मैंने काम करने के लिए, कौन से महीना में हमने लेनी आके पूछियो, कोई पढ़ा दी हो तो हम करा रहे हैं। तेज है धूप, सूख जाएंगे अगर 2-1 घंटा भी रहे ना, तो आधा 1 घंटा कपड़ा सब सूख जाएंगे।